समाज ब्लॉग बिहार में आप लोग का स्वागत है और सबसे पहले शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आप सब तरक्की कीजिए, भोलेनाथ महाकाल का कृपा आप सब पे बनी रहे। आज हम बहुत सारे आए हुए हैं, ये सब शंकर जी के शादी के लिए आए हुए लोग। यहाँ हमारे भोलेनाथ की कृपा दिखाएंगे। 65-70 लोग यहाँ पे जोड़ा हो गया है। देखिए कैसी कैसी तैयारियाँ हुई है आज का। आज रात बहुत हार्ड होने वाला है यार, कई जोर होने वाला। ये देखिए आज भाती को सजाया जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को मंदिर के लिए दर्शन दिन वाला जो मंदिर के दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं लोग। यहाँ पे बहुत सारी हाथी देखिए, यहाँ पे भी बजरंग दरबारे पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं, अब छोड़ेंगे नहीं। आज कतई जोर होने वाला है। यहाँ पे प्रशासन भी फुल तैयारी अपना कर चुकी है। यहाँ पे कुछ पंडित वगैरह प्रचारित ना हो। यहाँ मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। सो गाइस, हम लोग घुस रहे हैं मंदिर में जो। हाँ तो गाइस, हम लोग फाइनली एंटर कर रहे हैं, मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। और आगे दिखाते हैं लोग आप लोगों को क्या क्या है मंदिर के अंदर, कितने भीड़ है, कितने जो श्रद्धालु है, जो भक्त। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे घुसे हुए हैं अंदर। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, देख रहे हैं हम लोग एंट्री में ही इतना ज्यादा लग रहा है भीड़। थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है आज, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। अच्छा देख लिया जाएगा दिक्कत होगा। बट इतना भीड़ है कि अपने आप को इसमें निकालना मुश्किल है आगे जाके। ये तभी एंट्री है अंदर। ये देखिए यहाँ पे पानी में ये देखिए अच्छा शंकर जी का मूर्ति लगी हुई है, इसके अंदर शंकर जी का मूर्ति बनाया गया है। हम देखते हैं हम मंदिर तक कैसे जा पाते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, आगे रात में पता चलेगा क्या है, रात में पता चलेगा उसमें क्या क्या। रात का वीडियो देखना आप ना भूले यार, देखिए बहुत ज्यादा भीड़। और गाइस सबसे बड़ी बात है कि इसी वीडियो में आपको रात का भी वीडियो मिलेगा देखने। और ये देखिए दो, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। ये भंडारा होने वाला, कैमरा उठा भाई। हाँ ये देखिए ये भंडारा जो चल रहा है, भंडारे में बैठे हुए हैं। एक बार में इतने लोग खा रहे हैं भंडारे में। ये भंडारा कल 7 बजे मॉर्निंग से सुबह से ही चालू है ये भंडारा, और अभी तक ये चलेगा रात भर। यहाँ पे इतने लोग खाते हैं, आप और हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए कितने लोग खा रहे हैं। ये आज का दिन का है, जिस दिन महाशिवरात्रि, आज का दिन का वीडियो है और इसी में आज का रात का भी वीडियो आपको मिलेगा, और पिछला शिवरात्रि का वीडियो इसी में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और ये देखिए जो मंदिर के पीछे की तरफ जो पीछे से जाने वाला दरवाजा है, यहाँ पे बहुत सारे जाने वाला दरवाजा है, बहुत सारे बहुत लोग जो बैठे हुए हैं, जो अपने फैमिली का वेट कर रहे हैं लोग। एंड और आगे चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं जहाँ खाना बन रही है, जहाँ भंडारे के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ लोग भंडारे
आनंद ले रहे हैं, कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं, ये देखिए ये देखिए यहाँ ये सारे श्रद्धालु हैं, ये कार्यकर्ता भी कुछ हैं जो कार्यकर्ता साथी है कुछ टीका लगवा रहे संजू, ये देखिए लगवा के पूरा फॉर्म में भी निकल चुके हैं। और ये देखिए जो दाहिने तरफ का गेट है मंदिर का वो ये है, यहाँ पे बहुत भक्त टीका लगवा खड़े हुए हैं। तो भक्तजन तो नहीं भक्ति है वो, यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता जोर शोर से काम कर रहे हैं। हाँ ये देखिए भक्ति के, और यहाँ शायद दुकान वगैरह भी कुछ लगा है आइसक्रीम लगा भी है, मतलब बहुत एक मेला हाँ। एक मेला का माहौल पूरा बन चुका है, बहुत अच्छा मेला लगता है यहाँ। हमको तो लग नहीं रहा है दुर्गा मंदिर में इतना भीड़ होता होगा जो यहाँ आज है। और आगे यहाँ चार बजे सेल्फी लेने आया और सेल्फी ले रहा है, और ये देखिए थोड़ा सेल्फी ले लेते हैं। ये देखिए मेरे दोस्त जी का सेल्फी लेने, और ये कुछ सेल्फी कुछ दूसरे अंदाज में दिखा रहे थे सेल्फी को। और ये मंदिर है, मंदिर है, और ये छोटा मंदिर है जिसमें गणेश जी का मूर्ति है। ये सब जो पीछे रखा हुआ दरवाजा है, पीछे के एंट्री को रखा हुआ है, ये सब पीछे खराब होगा तो लगाया जाएगा। और चलिए हम आगे दिखाते हैं आप लोग, ये आगे देखिए कितना भीड़े लगी हुई है, कितना भक्त जन है, क्या बताएं, जोरों शोरों से पूरा भीड़े चल रही है यहाँ पे। बाप रे बाप, पूछिए मत यार, हम लोग को निकलना यहाँ मुश्किल हुआ है, हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ देखिए जो मंदिर के कार्यकर्ता है हाथ पे हाथ रख रख के इधर लेडीज और इधर जेंट्स को अंदर घुसा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगी हमको ये, बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं पड़ेगा, कोई गिरेगा नहीं, कोई गिरेगा नहीं या कोई एक दूसरे में टच नहीं करेगा। हम लोग निकल रहे हैं, अब आगे वाला सीन हम लोग दिखाएंगे नाइट को, नाइट को, नाइट को। अब इसी में आपको रात को वीडियो मिलेगा और आज रात को। और सो एक और चीज हम लोग दिखाने वाले हैं जो, और आगे वाला सीन रात में हम लोग आप लोग को दिखाएंगे। सो अभी चलिए देखिए और आगे क्या हो रहा है, ज्यादा देर वीडियो नहीं। ये देखिए कैसे कैसे यहाँ डीजे सजावट और लोग की जो लोग हैं यहाँ पे जो भक्ति अपने अंदर रखते हैं उनकी भीड़ देखिए यहाँ पे। ये देखिए इस वीडियो में यहाँ उसकी भीड़ दिखाई दे रही, और ये जो रैली निकलती है, अरे कतई जहर यार, पूछो मत यार, कतई जहर। उस दिन तो पूरा बेदिया सजा हुआ होता है अयोध्या के जैसा यार, गजब की वीडियो होती है, गजब की, क्या बताऊँ मैं, क्या ही बोलूँ इसके बारे में, अगर ना बोलूँ वही सबसे बेटर रहेगा यार। ये लुक तो सला कोई नहीं भूलेगा, गजब के खतरनाक लुक दिया है। और यहाँ पे जो टाउन में जो रोड पे जो रैली निकलती है शंकर जी और पार्वती जी का, उसमें लोगों की संख्या लाखों में होती है, अरे क्या बताऊँ, म्यूजिक पे ही तो लोग नाच देते हैं जिसको नाचने का नाम ना करें। बेदिया ऐसा शहर ही है जहाँ हर साल ऐसे ही शिवरात्रि मनाया जाता है, जहाँ हर साल ऐसे ही हर एक चीज़ की डेकोरेशन, यहाँ क्या बोलते हैं ना डीजे, और तो एक तो बात ये रामनाथ क्या बोलते हैं रामनाथ डीजे जो बेतिया से फेमस है। ये देखिए लाइटिंग कितनी हेवी लाइटिंग है यहाँ की, और ये लोकेशन तो पूछो मत यार, कतई अपने लास्ट में पहली बार ऐसा लोकेशन देखा है, ऐसे डेकोरेशन देखा है। सो ब्लॉग में बने रहिए और भी हम आपको आके दिखाते हैं क्या क्या है।
ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮ ನಿಲಿಂಬ ನೆಚ್ಚಿನ ಲೋಲ ಬೀಚಿ ವಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ.